जय महाकाल। मैं आपकी पोस्ट रोज देखता हूँ गुरुजी फेसबुक पे, तो लगता है यार मेरे को उतनी कन्नड़ तो समझ में नहीं आती। मेरे को करीब करीब 10 साल हो गए इधर कर्नाटक में, फिर भी मेरे को कन्नड़ मैं उतना समझ नहीं आता। लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि आपको इधर वाले रोज़ फ़ोन करते हैं इधर कन्नड़ वाले लोग। तो आप मेरे मैंने आज एक पोस्ट देखी थी, मुझे ऐसा लग रहा था आप गुस्सा कर रहे हैं, एक आंटी को बोल रहे हैं आपके, आप क्यों बार बार मेरे को कॉल कर रही हैं। तो वो कॉल कर रहे हैं तो उनकी कुछ प्रॉब्लम है, उनको उतनी समझ नहीं है। तो उसमें और आप में क्या अंतर है? अगर आप गुस्सा करेंगे, उसको पता नहीं है, वो आपको कॉल कर रही है तो मतलब उसकी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है ना। तो आपको थोड़ा कोल्ड हो के उसकी समस्या का समाधान करना है या फिर इग्नोर कर देना है, लेकिन गुस्सा नहीं करने का। फिर फर्क क्या रह गया? उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो कुछ उसकी अंदर कुछ उम्मीद है आपको लेकर के, इसलिए वो आपको बार बार कॉल कर रही है। ए गुल्डू, पादरक्षा हाय समझ के काटा का ऊपर चलेगा तो पादरक्षा को गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो आपकी बात सही है गुरुजी, पर हर आदमी को इतना विवेक नहीं है, हर आदमी को इतना बुद्धि नहीं है। क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको ठीक से समझाना चाहिए, उसका उतने बुद्धि नहीं है। उसको उतनी बुद्धि होती हो तो आपको कॉल ही क्यों करती हो? उसको इतना माइंड नहीं है ना, इसलिए वो आपको कॉल किया। कुछ तो है उसकी प्रॉब्लम, इसलिए वो आपको कॉल किया, कुछ समाधान मिल जाए। गुस्सा करके क्या फायदा? माता जी को बोलो रे, महिषासुर को क्यों मारा? शिव जी को बोलो रे, अंधकासुर को क्यों मारा? भोला शंकर को बोलो रे, दक्ष का सिर क्यों निकाला? बोलो रे उनको, समझ होना चाहिए उनको। तो समझ नहीं, दक्ष को तेरे को समझ होना चाहिए बोल के बोलो रे। ए बोला शंकर का भक्त बोलो रे। गुरुजी दक्ष प्रजापति कितना बोले तो एक सृष्टि ही अलग, मतलब कुछ अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता था। दक्ष प्रजापति विष्णु भक्त था, लेकिन वो महादेव को तो कुछ समझता ही नहीं था। और रही महिषासुर वाली बात, तो कितना अत्याचार, कितना अत्याचार, कितना अत्याचार, कितना अत्याचार, एक हद होती है अत्याचार की, हद से भी ज्यादा अत्याचार था महिषासुर का, हद से भी ज्यादा। तो फिर माता ने उसका मर्दन कर दिया। और अंधकासुर की वो भी फिर वरदान का दुरुपयोग करने लग गया था, दुरुपयोग। भगवान वरदान भी खुद देते हैं, भगवान ने वरदान, महादेव महाकाल दयालु हैं, कृपालु हैं, वो वरदान भी देते हैं वो भक्तों के लिए। भक्त वत्सल हैं महादेव, जो भी वरदान मांगता है मनुष्य, मनुष्य यक्ष गंधर्व किन्नर देवता, वो सभी देते हैं, सभी को सब वरदान देते हैं जो भी मांगता है। लेकिन हर बार राक्षसों ने छल किया है और उस वरदान का दुरुपयोग किया है। तो सृष्टि कल्याण के लिए उनका मर्दन करना ही पड़ता है। अगर सृष्टि का कल्याण जिसमें नहीं है तो प्रभु लास्ट में वही करते हैं जिसमें धर्म का अहित ना हो। कुल्डू, वो ही हुआ न रे इधर। हर आदमी के अंदर महिषासुर है, हर औरत के अंदर दक्ष है, हर जीवी के अंदर अंधकासुर है। वो ऑडियो पूरा नहीं सुना तू, सुनने का पहले जजमेंट दे दिया। अगर वो ऑडियो में ये गुस्सा ही किया तो क्यों रे उतना लोग देखता है? जिद नीचा करके शुद्ध को गौरव से प्यार करना चाहिए। वही बोला शंकर, तू बोला ना, वो बोला है कृपालु है करुणामयी है। वो ऑडियो का एंडिंग क्यों नहीं देखा आप? वो ऑडियो में किया हुआ प्यार क्यों नहीं दिखा तेरे को? गुस्सा क्यों दिखा? गुल्डू है तू। भाल गणपति को सिर निकाला क्यों? बाद में सिर डाला क्यों?
बाद में गोद में बिठाया क्यों? बोलो रे, बोला भक्त, बोलो। गुरुजी मैं आपके सामने तुच्छ हूँ, तुच्छ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपके पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हूँ, अगर बात ज्ञान की हो। पर गणेश का सिर इसलिए निकाल दिया माता महाभगवती जगत जननी माता पार्वती ने, जब स्नान कर रही थी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, तो माता जब स्नान कर रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने अपने मतलब रक्षा के लिए या जो जो भी कहें, वो जब अंदर स्नान कर रही थी, तो एक बाहर में एक गण को अपने अंग के मैल से, मैंने तो ऐसा सुना है, एक गणेश को पैदा किया, तो उन्होंने उसको द्वारपाल रखा वहाँ पे। तो उन्होंने उससे यही कहा कि गणेश अंदर किसी को भी आने मत देना, ये मेरी आज्ञा है। तो गणेश माता की आज्ञा पे चले, तो महादेव आए, तो महादेव अंदर जानना चाहते थे, तो नहीं दिया गणेश ने जाने। तो महादेव तो महादेव है, भगवान महाकाल, उनके सामने किसी की भी क्या चलती है। तो गणेश ने नहीं जाने दिया, प्रभु ने एक बार विनती की, दो बार बोला, तो नहीं जाने दिया गणेश ने। तो भगवान को गुस्सा आ गया, भगवान ने अपना त्रिशूल निकाला और लास्ट में त्रिशूल चला देता। तो वो तो अमोघ अस्त्र है, वो त्रिशूल के सामने किसकी चलती है, सारे अस्त्र फेल है उस त्रिशूल के सामने, सारे अस्त्र समा जाते हैं, ब्रह्मास्त्र हो चाहे कोई भी अस्त्र हो, भगवान का वो त्रिशूल, वो पाशुपत अस्त्र, उससे कोई भी नहीं जीत पाता है। तो लास्ट में गणेश पे चला दिया, तो गणेश की गर्दन उड़ा दी भगवान ने और अंदर चले गए। वो बोल रहे अभी, बोलो, बोला शंकर को, बोलो, बोला भगवान, उनको तो बुद्धि नहीं है, आपका बुद्धि किधर गया था? आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, उनको नहीं मालूम है माँ का काम कर रहा था, आपका क्रोध क्यों आया? पूछो रे, पक्षपाती, पूछने के लिए आहुरात्रा मिला तेरे को, वो नहीं मिला। बोला शंकर, हर दिन पूजा करता है ना, पूछो। सात्विक क्रोध, तामसिक क्रोध, राजसिक क्रोध का भेद मालूम नहीं तेरे को? बिना पूरा अध्ययन करके बात करने का कभी से सीखा रहे तू? पूछो भोलेनाथ को। अच्छी बात है गुरुजी, आपके सानिध्य में अच्छा लगा, आपसे वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगा। जय महादेव, जय महाकाल, जय हो आपकी। आपसे जुड़े रहना और आपसे ज्ञान अर्जन करना, ये बहुत बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है। आप जो भी कहेंगे, जो भी ज्ञान देंगे, वो मेरे लिए सिरोधार्य है। हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात की गुरुजी आपने, बहुत अच्छी बात की। क्रोध तो भगवान महादेव को भी आया, आपने भी क्रोध किया। मैं आप 1 मिनट थोड़ा जल्दी में आपको क्रोध शब्द पे आपकी आलोचना कर गया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ करना इसके लिए। और अपना ज्ञान अर्जन हमें देते रहना। जय हो महाकाल की, जय हो माता भगवती आदिशक्ति की। वो दिन महादेव को आया हुआ भी क्रोध नहीं, ये दिन अहोरात्र का आया हुआ भी क्रोध नहीं, ये नाटकीय क्रोध है। गणपति को पूर्ण जग का सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए सूक्ष्मदर्शी आँख चाहिए था, वो आती के अंदर था। पूरा दुनिया का शब्द सुनना चाहिए गणपति, इसलिए वो आती का कान के अंदर वो ताकत था, दुनिया का सबसे बड़ा कान। धरती को सुनना चाहिए, पूरा दुनिया को ग्रहण शक्ति करना चाहिए, इसलिए सबसे बड़ा शुंड चाहिए था, वो आती के अंदर था। वो आती ऐरावत का पुत्र था, उसको जोड़न करने के लिए हुआ किया हुआ वो नाटक था रे, वो दिन वो क्रोध नहीं था। कांटा जैसे प्यार है भोलेनाथ का,
फूल जैसे क्रोध है भोलेनाथ का, उसका ढूंढने में निकला है अहोरात्र। वो किधर है, ये किधर है, उनका भक्तों का भक्तों का भक्तों का, तेरे जैसे भक्त का, पाद का नीचे का धूल है रे ये अहोरात्र। गुस्सा के अंदर गुस्सा दिख रहा है तेरे को, प्यार के अंदर प्यार दिख रहा है तेरे को। तेरे को एक मंत्री का प्यार के अंदर लोभ दिखना चाहिए, मत्सर दिखना चाहिए। एक संत का क्रोध के अंदर प्यार दिखना चाहिए, वो सच्चाई रे है। क्या रे, दृढ़ निर्धार में आ गया तू? इतना क्रोध दिखाता तो कर्नाटक का ये लोग छोड़ेगा रे अहोरात्र को? वो क्रोध में प्यार मिलन नहीं हुआ तो इतना लोग देखता है क्या रे इनका ऑडियो? वो ऑडियो नाटक नहीं था। 50 साल होने के बाद ज्योतिषी हुआ ये अहोरात्र, समाज के लिए अर्पण करने का ये हंत में, ये आयाम में पारदर्शक बन गया। कोई कुछ भी बात करने दो, सबका सामने रखना सीख लिया। वो विचारधारा को लोग भी स्वीकार किया, स्वीकृत किया। उसमें भाषा भेद आके तेरे को अपारता गया। चलेगा रे, बट एक चीज लास्ट में बोल के रख रहा है अहोरात्र, बहुत दिनों से तेरा भक्त भक्ति देख के आया है, तेरा हर पोस्ट देखा है अहोरात्र, तेरा भक्ति का सामने अहोरात्र फिदा हो चुका है, तेरा भक्ति का अनुयायी अभिमानी हो चुका है रे। ये कलयुग में भी तेरा जैसे भक्त है बोल के देखा रे, बहुत खुश है, बहुत इज्जत है तेरे ऊपर अहोरात्र को। भक्त भंडारी है तू, महाभक्त है, नंदी भी तेरे को प्यार करते। धन्यवाद अहोरात्र। गुरु जी, आपने थोड़ी प्रशंसा की उसके लिए। हर हर महादेव, साष्टांग प्रणाम। लेकिन करोड़ों में एक अहोरात्रा मिलता है, करोड़ों में एक अहोरात्रा, और करोड़ों में कुछ मिलते हैं जो अहोरात्रा की तरफ अट्रैक्ट हों और अहोरात्रा की बात सुने। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझेंगे, मेरे को पता है आप परम ज्ञानी, आप समझ रहे हैं मेरी बात। करोड़ों में एक अहोरात्रा मिलता है। ये धर्म लाखों वर्षों से चले आ रहा है, लेकिन इसको जानने वाला करोड़ों में एक अहोरात्रा मिलता है। और उस अहोरात्रा के पीछे चलने वाला, उसकी सुनने वाला, उसको जानने वाला, कुछ मिलते हैं उसके पीछे चलने वाले। उस क्या बोल रहा है, उसके मनन करने वाला, उस पर गौर करने वाला, करोड़ों में एक अहोरात्रा मिलता है। और आप तो कल चले जाएंगे, आप कितने साल रहेंगे, आप कल चले जाएंगे आप, लेकिन हम आपसे बहस नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो हमको कैसे ज्ञान मिलेगा? सबसे बड़ी बात, आप कभी भी परेशान मत होना। हम कभी भी कैसा भी प्रश्न आपसे पूछेंगे, हम आपसे छोटे हैं, कुछ भी नहीं आपके सामने, आपके बच्चों के जैसे ही हैं तो हैं, लेकिन एक ललक आपके ज्ञान से प्रेरित होकर, एक ललक है हमारे अंदर कि आपके ज्ञान को सुनना और उसका उत्तर और प्रत्युत्तर को जानना। तो इसलिए हम कभी भी कैसा, हमसे अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप उस पे हमको क्षमा करना। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जानने की इच्छा, आपसे जानने की हमारी जिज्ञासा, ये हमारी जिज्ञासा है। तो इसके लिए अब हमें टाइम टाइम पर कृतार्थ करते रहने का, यही हमारी आपसे विनती है।
और आपने जो गणपति के जो सिर का जो बताया तुमको भेदन का जो रहस्य बताया, ना। सच में मैंने आज पहली बार सुना। वो गणपति का जो सिर कटने के पीछे जो आपने रहस्य बताया, वो आज मैंने पहली बार सुना, पहली बार। और जब तक जिंदगी है, मरते दम तक शिवलिंग या श्रीयंत्र दोनों में से एक चीज आपसे प्राप्त करके ही रहूंगा, मरते दम तक। आपका एक भोलेनाथ के साथ एक फोटो भेजो रे, ये ऑडियो हम दोनों का बातचीत है, वो शिव भगवान करवाया दुनिया को बताने के लिए। इसका अर्थ उसके लिए एक वीडियो बना के डालेगा हमारा ये डिस्कशन। दुनिया सुनने दो, लेने वाला लेने दो, छोड़ने वाला छोड़ने दो। बहुत अलौकिक, आपके हाथ का बना हुआ श्रीयंत्र और शिवलिंग दोनों ही बहुत अलौकिक, बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। पर आपके हाथ का जो अलौकिक कला है, जो दिव्य कला है, एक शिवलिंग या श्रीयंत्र दोनों में से एक, मैं उत्तराखंड जरूर लेके जाएगा। वहाँ कितने भी महादेव हैं, कितने मंदिर हैं, लेकिन कुछ भी हो, एक दिव्य कला है, मैं उसको जरूर लेके जाएगा अपने घर पे, जरूर लेके जाएगा। मेरे को इतना पसंद आया, वो सबकी बस की बात नहीं है, वो भगवान की लीला है आपके ऊपर, वो भगवान का ही दर्शन है जो आपके हाथ में इतना दिव्य कला है। मैं उसको लिए जरूर लेके जाएगा। मैं गुरुजी, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए करोड़ों में कोई कुछ कुछ महापुरुष होते हैं, कुछ कुछ महापुरुष होते हैं, करोड़ों में कुछ कुछ महापुरुष होते हैं, उन्हीं के द्वारा ज्ञान अर्जन किया जाता है और उनके लिए हमको खोज करनी पड़ती है।